आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। अल्लाह सियासत अखबार की 75वीं सालाना तकरीब के लिए यहाँ पर SCBC मुस्लिम फ्रंट और DRS के कुछ नौजवानों ने सियासत अखबार के लेकर जनाब आमिर अली खान साहब की गुलपोशी की। इस गुलपोशी की अहम वजह यह है कि सियासत अखबार एक अखबार ही नहीं है बल्कि एक इनकलाब था। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ जो हालात गुजर रहे थे, उस वक्त जनाब आमिर अली खान साहब और जिगर साहब ने मिलकर मुसलमान की आवाज़ को एक अखबार का रूप दिया और इस तरीके से इसको अखबार का रूप दिया कि इसके जरिए से मुसलमानों में शऊर आया, इनकलाब आया, मुसलमानों में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि मुसलमान अपने हकूक को पहचानने लगे, उसको हासिल करने की कोशिश करने लगे। और यही सियासत अखबार जो 75 साल पहले इसका आगाज़ किए थे, आज तीसरी पीढ़ी के हाथ में आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। आमिर अली खान साहब, जिगर साहब जहाँ तक इस अखबार को ऊपर लेकर गए थे, जाहिद अली खान साहब ने उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश की और उन्होंने कामयाब है। अब आमिर अली खान साहब के हाथ में ये अखबार है और हम उम्मीद करते हैं अब जहाँ पर यह अखबार यहाँ से और ऊपर जाएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। आज रोजनामे सियासत को हमारा वक्त पहुँचा है DRS की तरफ से और साथ में SCBC मुस्लिम फ्रंट की तरफ से। आज यहाँ आकर जनाब आबिद अली खान साहब का जो लगाया हुआ अहदा था, 75 साल रोजनामे सियासत के पूरे होने की खुशी में हम यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचकर जनाब आमिर अली खान साहब और जाहिद अली खान साहब को हमारे दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश की गई। हमारा यहाँ आने का मकसद और रोजनामे सियासत को आवाम के सामने जिस तरह से हम यहाँ आज यहाँ आए हैं, आकर यहाँ पे मुबारकबादी पेश किए हैं, इसकी वजह है, इसकी वजह ये है जो सियासत के कारनामे 75 साल कारनामे अगर हम गिनने बैठे तो बहुत वक्त लग जाएगा। इसमें से चंद में कारनामे आप लोगों के सामने पेश करूँगा। जो मुसलमान जो लावारिस लाशें हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी में लेते हुए रोजनामे सियासत ने हर दिन हर रोज़ बरोज़ उनकी तदफीन अमल में आती है। साथ में जो पुलिस के लिए 2002 में जिस तरह से राइट्स हुए थे, उसके बाद मरहूम जनाब जहीरुद्दीन अली खान साहब ने ये अपनी तजवीज़ रखी और रखते हुए रोजनामे सियासत ने एक इकदाम उठाया और पुलिस भर्ती के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उससे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे, हज़ारों नौजवान मुस्तफ़िद हुए और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर आज वो अपने जॉब पर हैं। ऐसे ही जो लड़कियाँ घरों में बिन ब्याही बैठी हैं उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद होता था रोजनामे सियासत, ख़ास करके जाहिद अली खान साहब और हमारे जहीरुद्दीन अली खान साहब और आमिर अली खान साहब। उन्होंने अपना एक कोशिश करते हुए एक छोटी सी कोशिश के नाम पे दूबदू प्रोग्राम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से दूबदू प्रोग्राम का मकसद ये था कि आमने सामने रिश्ते तय हो जाए, क्योंकि रिश्तों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी और उसके अंदर इन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर अपना जो है ना हिस्सा लिया। लेते हुए इतने हज़ारों लड़कियों के शादियां अमल में आई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही कई कारनामे हैं, जो कपड़ा बैंक है और बच्चों को जो है ना क्वेश्चन बैंक है और हर बार उर्दू सिखाने के अपने प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हैं। आपको मैं गिनने बैठूँ तो बहुत सारे इनके कारनामे हैं इन 75 साल के, मगर उसमें से चंद मैंने आपके सामने रखे। और ऐसे ही रोजनामे सियासत एक अखबार नहीं है, एक आवाम की, एक कौम की आवाज़ है। इस आवाज़ के लिए हम दुआ करते हैं कि आगे चलकर भी ऐसे ही रोजनामे सियासत ऐसे ही फूले फले और आगे बढ़ता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 1949 को सियासत की बुनियाद डाली गई थी या पहला जो कॉपी छापी गई थी वो 15 अगस्त 1949 था और किसी इदारे के लिए 75 साल की ज़िंदगी बहुत मानेखेज होती है और इन 75 सालों में अखबार ने क्या कुछ नहीं देखा, ये आज के अखबार में मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में किसी उर्दू अखबार के 100 सफ़ात पर मुश्तमिल आज जो एडिशन यहाँ पे हम निकाले 75 साल की खुशी में, मैं समझता हूँ कि ये खुद एक बड़ी मिसाल है कि उर्दू अखबार
किसी दूसरे मेनस्ट्रीम अखबार से कम नहीं। तो आज मेरे को बेहद खुशी हो रही है कि एक 75 साल पहले लगाया हुआ पौधा आज एक तनावर दरख्त बन के निकला है। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आवाम का किताईद हमें हासिल थी वो आगे भी बरकरार रहे और इंशाल्लाह ताला सियासत उसी तरह काम करेगा जिस तरह 75 सालों से काम करते आया है। कहीं पर भी इंसानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर होते हैं तो हम पहले पहुंच जाते हैं, वैसा ही कहीं पर भी नाइंसाफ़ी होती है तो सियासत हर वक्त ये चीज़ को अपना वो बना के रखा था कि मिशन बना के रखा था कि इसी पर काम करना है। तो वो मैं समझता हूँ कि आइंदा भी अब 75 साल तो गए अब आइंदा भी जो रहेगा मुस्तकबिल में भी वही बरकरार रखी जाएगी। बहरहाल मैं फिर से आवाम का, रीडर्स का और जो सरपरस्त है मुश्तहरीन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ